कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बन गई और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, जिसके सीएम सिद्धारमैया बने। डीके शिवकुमार सीएम के दावेदार थे, दावेदार रह गए। डीके का तो पता नहीं, लेकिन कर्नाटक बीजेपी ने कैंपेन चला रखा है कि डीके शिवकुमार को सीएम बनना चाहिए। इसमें बीजेपी को इतना ही इंटरेस्ट है कि कांग्रेस में सीतारमैया डीके के गुटबाजी खत्म ना हो, सरकार स्थिर न दिखे। ऐसा राजस्थान में नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक में हुआ। गुटबाजी छोड़कर सीतारमैया और डीके शिवकुमार ने मिलकर चुनाव लड़ा, मिलकर जीत हासिल की और मिलकर सरकार चला रहे हैं। हालांकि रहकर कांग्रेस के अंदर 3 नए डेप्यूटी सीएम बनाने, डीके को प्रदेश अध्यक्ष से हटाने जैसी मुहिम चलती रही है। कांग्रेस हाईकमान को समय रहते अबर्तन टकराने का आभास भी हो गया है कि हो सकता है कि इनमें अनबन हो। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया, डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार, प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला समेत राज्य के बड़े नेताओं को दिल्ली बुला लिया, सबसे बात की और सबकी बात सुनी भी। बैठक के अंत में हंसते मुस्कुराते ग्रुप फोटो सेशन हुआ। विदा करते समय राहुल गांधी ने यह मैसेज दिया कि मिलकर काम करना है। सोचिए कि विधानसभा चुनाव में इतना शानदार करने के बाद भी लोकसभा में सीटें कम क्यों मिली। राहुल गांधी खड़गे ने सीएम बदलने, नए डेप्यूटी सीएम बनाने, प्रदेश अध्यक्ष बदलने जैसी विवादित तो मुद्दों को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। दिल्ली मंथन का मैसेज क्लियर है कि सिद्धारमैया सीएम बने रहेंगे, डीके शिवकुमार अकेले डेप्यूटी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सिद्धारमैया और डीके दोनों कैंप के लिए ये राहत और झटका देने वाली बात है। और ऐसी भी बात है कि दोनों ही फिलहाल अपनी अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे, ये आला कमान ने फिक्स कर दिया। ऐसे राहुल गांधी की घुरकी कहें या फिर समय के हिसाब से अपनाई गई सही स्ट्रेटजी। राहुल गांधी से मिलने के बाद दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समझदारी और एक दूसरे का सम्मान करते हुए पोस्ट लिखे, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आखिर चल क्या रहा है। राहुल गांधी की मीटिंग के बाद झटका उनको लगा जो एक दूसरे को लड़वाने वाली हरकतें और बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी डबल गेम चल रही है, एक तरफ सिद्धारमैया को घोटाले में फंसा रही है, दूसरी ओर डीके को सीएम बनाने की मुहिम भी चलवा रही है। दिल्ली मीटिंग के बाद कांग्रेस में सब ठीक हुआ तो कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वी विजयेंद्र को नया रास्ता निकालना होगा कि कैसे कांग्रेस को आपस में लड़ता हुआ दिखाएं। कांग्रेस के सरकार में आने पर घोटाले ही घोटाले, बीजेपी ने यही कैंपेन चलाया हुआ है। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके के साथ मिलकर समझाया कि बीजेपी से कैसे निपटना है। सिद्धारमैया ने शिकायत की कि व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी टारगेट कर रही है। स्ट्रेटजी बनी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट और महर्षि वाल्मीकि स्कीम में धांधली का जो हल्ला बीजेपी ने मचाया है उस पर काउंटर अटैक करना है। बजट में कर्नाटक की उपेक्षा को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरना है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार अब केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलकर कर्नाटक का हक मांगेंगे, इससे कर्नाटक में बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। कांग्रेस के अंदर ये करंट बना हुआ है कि जिस कर्नाटक में साल भर पहले 135 सीटें जीतकर सरकार बनाई, वहां लोकसभा चुनाव में 28 में से सिर्फ 9 सीटें क्यों आई। 2019 के मुकाबले तो 9 सीटें भी ज्यादा है, लेकिन विधानसभा चुनाव के हिसाब से बहुत ही कम। पार्टी ने मधुसूदन मिस्त्री की एक कमेटी बनाकर रिपोर्ट तैयार कराई है, चुनाव में सीटें कम क्यों आई। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।